हम एक ऐसा मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं जिसके लिए शायद हमें हेट मिले। हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। और आज काफ़ी अच्छा दिन है, और अच्छा दिन तुम्हें पता है कब होता है? जिस दिन पुश डे होता है या फिर चेस्ट ट्रेन करना होता है, शोल्डर ट्रेन करने होते हैं। तो आज हाँ मेनली आज हमें चेस्ट ट्रेन करना है, शोल्डर पर कम से कम फोकस करेंगे। मेन मूवमेंट होने वाले हैं अपने चेस्ट के, शोल्डर के सिर्फ एक या दो मूवमेंट ऐड करेंगे जिसमें से शायद लेटरल डेल्टी ट्रेन करेंगे। हाँ तो भाई जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो होने वाला है फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस। और जाहिर सी बात है तुम इस बेंच को तुम देखोगे तो ये ऊपर के हिस्से से थोड़ी चौड़ी रहती है, नीचे से पतली रहती है। तो इस तरफ हम अपनी पीठ रखते हैं क्योंकि ये एक तरीके से, जैसे हमने पहले ही बताया था कि फैट पैड की तरह काम करता है, मतलब बैक को एक ज़्यादा सपोर्ट मिलता है ज़्यादा एरिए से। आई थिंक आज वेट थोड़ा ईजिली लिफ्ट हो रहा है तो शायद आज 90 तो जाएंगे जाएंगे। उसके ऊपर हल्का हल्का ख्याल है भाई, फट रही है बट देख सकते हैं। भाई तो थोड़ा सा हम अपने बिच मोड को साइड में रखते हुए 80 पर नहीं जाकर सीधे 90 जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम 75 से 80 जाएंगे तो मतलब सिर्फ 5 की प्रोग्रेस होगी, और अगले वाले में सीधे 10 की प्रोग्रेस करना थोड़ा सा गलत रहेगा, एथिकली नहीं है। और तुम ये यूज़ करते हुए काफ़ी कम देखोगे क्योंकि कोशिश तो ये करते हैं कि इसके बिना ही तुम वेट कंट्रोल बना सको, बट आखिरी के सेट में शायद तुम यूज़ कर लो तो ज़्यादा सही है। चलो भाई काउंट करना तुम भी हमारे साथ, ठीक है? One, two, three, four, five, six, seven. तो सात थे एटलीस्ट काउंटिंग में, तो बट हमें लग रहा है आखिरी वाला थोड़ा पार्शियल था तो 5 ही मान लेते हैं, आखिरी के 2 चीट मान के चलते हैं। तो 7 तो थे, 7 में से 5 तो थे। ओके फटी भाई। उसके बाद अब करेंगे चेस्ट फ्लाइज, बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेसेस मूवमेंट कर रहे हैं हमने। और उसमें जो लास्ट सेट था जिसमें हमने 100 का डंबल दिखाया भाई, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही रैप्स आए थे, पर भाई हमें काफ़ी खुशी हुई ये देख के कि 2 हमारे कट में आए हैं। तो बल्क के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि भाई देख लो, तुम बिच मोड पे इतने गए थे तो तुम्हें बल्क पे तो और ज़्यादा ही जाना है। हाँ मज़ा आ रहा भाई अगर तुम अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दो स्ट्रांग। बाकी के आगे के सेट में जो रहते हैं, बाकी के जितने भी आगे के सेट होते हैं उसमें तुम बहुत अच्छा पंप फील करते हो अगर तुम्हारा पहला सेट ही एकदम बढ़िया हो। तो भाई अब करेंगे इंक्लाइन बेंच चेस्ट प्रेस मशीन। तो दोनों को बैलेंस बना के रखते हैं, मतलब प्रेसेस एंड फ्लाइज को। तो उसके लिए एक मूवमेंट अपना प्रेस एक्सप्लोर करना है, फिर उसके बाद एक मूवमेंट परफॉर्म करना है फ्लाइज पे भी। तो भाई जो लास्ट मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं वो होने वाला है लोअर चेस्ट के लिए, क्योंकि अभी तक जितने भी मूवमेंट परफॉर्म किए हैं उसमें लोअर चेस्ट के लिए कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं था। तो उसके लिए आखिरी मूवमेंट जो कर रहा है, इसके बाद एक और आएगी चेस्ट की एक्सरसाइज, वो तुम जानते हो कौन सी होने वाली है। पर उससे पहले एक डिक्लाइन चेस्ट फ्लाइज कह लो या फिर केबल फ्लाइज। चीज़ दिखाते हैं भाई तुम्हें,
तो पता नहीं तुम्हें शायद लाइनें दिख रही कि नहीं दिख रही, इसी को कहते हैं बादाम चेस्ट या आलमंड चेस्ट। अच्छा एक चीज़ और है, बड़ी अजीब होती है, अभी ऐसी फिजिक है हमारी जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो है क्या कहते हैं इतनी गेंस दिखेंगी या आलमंड चेस्ट जैसी बातें करेंगे हम। बट अब हमारे लिए इतना नॉर्मल होने लगा है कि बॉडी डिसमॉर्फिया कह लो या कुछ भी कह लो, अब ये बहुत कम लगता है लेकिन एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ तो है कि बॉडी डिसमॉर्फिया है जो तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए मजबूर भी करता है, और वही है एक है जो कि तुम्हें रोकता भी है थोड़ा सा कि भाई यू आर स्टिल अ बिच। हाँ तो भाई अब हम एक ऐसा मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं जिसके लिए शायद हमें हेट मिले, बट वो हम कभी कभी करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट क्योंकि साइड रेजिस्ट करते करते बोर हो जाते हैं तो एक तुम्हारे लेटरल हेल्थ के लिए एक मूवमेंट परफॉर्म करना ज़रूरी है जो थोड़ा अलग हो, उसके लिए आप राइट रोज करते हैं। बट ये है कि इसमें हम क्लोज ग्रिप नहीं पकड़ते, वाइड पकड़ते हैं ताकि हमारी रिस्ट जो एक सेफ पोजीशन में रहे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्विस्ट क्रिएट ना हो। मतलब कि जब तुम क्लोज पकड़ते हो तो ये तुम्हारा मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वो होता है, अनयूजुअल मूवमेंट होता है, तो उसको अवॉइड करते हुए हम ये करते हैं। और इसमें कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा हैवी ना जाए, और तुम जा भी नहीं सकते बेसिकली इसमें, बट मज़ा आता है। तो तुम जनरली देखते हो ये तुम्हारी लोग पकड़ते हैं यानी अपराइट रोज के लिए तुम्हारी शोल्डर विड्थ, बट हम शोल्डर विड्थ पे भी थोड़ा ज़्यादा पकड़ते हैं, ये ग्रिप हम पकड़ते हैं तुम्हारे शोल्डर से करीब एक से डेढ़ हाथ और ज़्यादा। अब जब हम इसको यहाँ पे करते हैं तो रिस्ट हमारी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होती, काफ़ी कम्फर्टेबल पोजिशन में रहती है। और एक चीज़ और है इसमें, तुम अपनी मोबिलिटी देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम ये एक्सरसाइज करो ही करो, अगर तुम्हारी मोबिलिटी अलाउ करती है तुम्हें एक इस पोजीशन में ले जाके तुम ये परफॉर्म कर पा रहे हो मोमेंट बेसिकली, तो हाँ तुम कर सकते हो। अगर अलाउड नहीं करती, तुम अपने यहाँ पेन फील करते हो, रिस्ट में पेन फील करते हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। आज का वर्कआउट तो यहीं तक ख़त्म करते हैं, बाकी रात को मिलते हैं किचन टॉक्स के एपिसोड में। बाकी आज तुमने सबसे स्किनी बॉडी देखी है, क्योंकि हमें तो भाई सेटिस्फेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर भी ठीक है भाई। भाई क्यूडास कैसे हो तुम लोग? तो अभी हम जानते हो कि साइड में स्क्रीन में देख रहे थे, तो तुम ये चीज़ देख पा रहे होगे, गजब ही दिखने लग रहा है आजकल। तो हमें सीन शेयर करना था, ये वो ये था सीन कि आज एक कमेंट आया था और काफ़ी अच्छा कमेंट था और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से हम रिलेट कर रहे थे, तो हमने सोचा वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। वो ये है कि कमेंट ये था, रिसेंटली अभी हमने फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर किया है, तो उस पर ये कमेंट आया था कि अंकित भाई अगर हमारे पास एयर फ्रायर नहीं है तो कैसे हम चिकन को बना सकते हैं जल्दी। तो सीन ये है कि एयर फ्रायर अभी हमने रिसेंटली लिया है, 2 या 3 महीने हुए होंगे, और तुम जानते हो कि यार हम चीज़ें तब लेते हैं जब एकदम उसकी लिमिट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम इस लाइफस्टाइल में आए हैं बैचलर वाली में और अचानक ही हमने सारी चीज़ें खरीद ली, बट सीन ये हो रहा था कि हम समझ रहे थे कि अब आने वाले दिनों में हमें 2 बार वर्कआउट करना है, तो हम शायद 20 मिनट चिकन को ना दे पाए बनाने के लिए। और हालांकि इस पर काफ़ी अच्छे से बन जाता था जो दूसरा तरीका हम बनाते हैं जिसमें एयर फ्रायर नहीं लगता, बट क्या है कि उसमें तुम्हें यहाँ खड़े होना पड़ता है, बस ये सीन था। और हमें लगता है कि अगर हम एयर फ्रायर में रख देते हैं तो उसको रख के तुम भूल जाओ, और कभी भी तुम निकालो उसमें से चाहे 15-20 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद भी आके देखोगे चल जाएगा, बेसिकली तुम्हें वहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बिना एयर फ्रायर के बनाते कैसे, उसकी रेसिपी का फंडा ये रहता है कि नॉर्मल सारे स्टेप्स हैं मैरिनेशन तक, और उसमें ऐड करते हैं नींबू, जल्दी उसको एक तरीके से मसाले उसके अंदर चले जाते हैं उसकी वजह से, उसके एसिडिक नेचर की वजह से नींबू उस केस में ऐड करना काफी ज्यादा सही रहता है, स्पेशली अगर तुम बिना एयर फ्रायर के बना रहे हो। तो सीन ये है, तुमने मैरिनेट किया रात भर के लिए, रख दिया अच्छे से उसके अंदर मसाले चले गए, फिर उसको तुम बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद सिर्फ एक स्टेप करना होता है भाई, ये वो है फ्राई पैन है
तो फ्राई पैन में क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा ऑयल डालना है या फिर उसके ऊपर चम्मच ऑयल डालो या फिर ब्रश से लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली तुम्हें चिकन डालना है। अभी तक जो हम बनाते थे वो क्या कहते हैं ड्राई चिकन ही बना रहे थे, हमने ग्रेवी वाला आज तक ट्राई नहीं किया है। हमने हालांकि चिकन की और कई चीजें ट्राई करी हैं और वो भी बैचलर रूल के साथ, यानी 3 कुकिंग रूल्स के साथ। तो अभी तक हमने बना चुके हैं चिकन बर्गर, और मेरे कहते हैं चिकन का एक तुमने शायद देखा होगा विदेशों में चलता है टैको बेल, तो उसमें क्या रहता है कि एक रोल्ड तरीके का रहता है, उसके बीच में चिकन के पीसेस रहते हैं, तो वो भी हमने बनाया हुआ है। बट उसका सीन ये है कि उसके लिए हम पनीर पराठा लेकर आए थे डीमार्ट से, तो भाई बहुत टेस्टी था वो भी। तो उसकी रील भी हमने बनाई हुई है बकायदा, दोनों ही की रील बनाई हुई है कि नॉर्मल हमने बर्गर कैसे बनाया था प्लस वो टैको बेल वाला भी, और जो हमने फ्राई पैन में चिकन बनाते तो उसकी भी रील है हमारे पास, वो इसी वीडियो में तुम देख लोगे, या तो साइड में चल जाएंगी या फिर इसके बाद तुम देख लोगे। तो हाँ, ये काफी तरीका है, इसकी डिटेल वीडियो तुम देखोगे अगली सीरीज में, जहाँ हम तुम्हें अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी तो खैर हमारा ऑयल इनटेक काफी ज्यादा लिमिटेड है और मसाले भी कम यूज कर रहे हैं, तो शायद हम उसको डिटेल में तुम्हें ना दिखा पाए। बट स्टेप्स यही हैं कि मैरिनेट करो, मैरिनेट करने के बाद फ्राई पैन में डाल के उसको फ्राई कर दो, बस यही सीन रहता है। और अगर ग्रेवी वाला बनाना होगा टमाटर और प्याज की, तुम्हें चटनी ऐसे बना लेनी है और अगेन उसमें डाल दो, बस भाई वो सीन हो जाएगा तुम्हारा ग्रेवी वाला। तो बस यही सिंपल स्टेप्स हैं, बाकी आने वाले दिनों में तुम इसकी डिटेल वीडियो देखोगे। तो हाँ, हमें लगा कि शायद ये शेयर करना जरूरी है। अब हम चाहेंगे कि तुम अपना चैनल जो है ये थोड़ा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वो हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग होगा, और नीचे कमेंट करना वो तो और ज्यादा मोटिवेटिंग होगा, ठीक है। तो भैया मिलते हैं क्यूडाज अगले दिन में, ठीक है, बाय बाय।